दोस्तों ये वाली वीडियो आप लोग समझ ही गए होंगे थंबनेल लगे कि ये वाली वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे 12 इंच के स्पीकर के बारे में। तो दोस्तों ये जो हमारा स्पीकर है ये आपको 600 या 700 रुपए में मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई भी अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई ब्रांड का मिल जाएगा। जी हाँ, ये लोकल होने वाला है। तो दोस्तों हमारी मार्केट में जो लोकल स्पीकर्स मिलते हैं, तो दोस्तों मैं जा रहा था, मैंने सोचा एक लोकल स्पीकर ख़रीद के देखते हैं कि क्या वो ब्रांडेड को कम्पीट कर पाता है। वैसे तो नहीं करेगा, लेकिन देखते हैं, साउंड टेस्ट करते हैं। मुझे लगा मुझे आपको भी दिखाना चाहिए कि जो दोस्तों आप लोग सोचते हो कि सस्ता ले लेते हैं या फिर महंगा ले लेते हैं, तो क्या फ़र्क आपको मिलेगा महंगे में, क्या आपको सस्ते में मिलेगा। तो ये मैं आपको बताने के लिए मैंने अभी तक के आपको सारे महंगे स्पीकर्स बताए। चलिए बात करते हैं 700 या 600 रुपए के जो स्पीकर आते हैं, इनकी क्या डिटेल है, कैसे दिखते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, क्या है मेन इनकी साउंड क्वालिटी। तो मैंने खरीदे हैं 2 पीस, आपको एक दिखाऊंगा, चेक करके भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो छोटी में बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग उसको खरीद लीजिएगा, देखिए कैसा बचता है ये वाला स्पीकर। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यांश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने है यहाँ पे हमारा ये 12 इंच का स्पीकर जो कि 100 वॉट में आता है। दोस्तों अभी आपने जो थंबनेल में देखा वो यही स्पीकर को देखा था। दोस्तों जो उसका जुड़वा भाई है वो बाहर रखा हुआ है, तो मैं अभी उसे बाद में आपको दिखा दूंगा जब मैं इसका एक बॉक्स तैयार करूंगा। तो मैं ज़रूर से दोस्तों इसका एक बॉक्स तैयार करूंगा जिसमें मैं चेक करूंगा, इसको लगा लगा के देखूंगा कि इसकी लाइफ कितनी रहती है। जितनी इसकी लाइफ रहेगी मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर यह कोई फिक्स नहीं है कि सारे स्पीकर्स की लाइफ जो है बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन दोस्तों जैसा ये चलेगा मैं आपको ज़रूर से अपने इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये 600-700 रुपये का मिलने वाला 12 इंच में 100 वॉट का स्पीकर है, तो ये जाहिर सी बात है ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको अभी जरा पास से एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग इसका लुक देखेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा मैसी सा दिखता होगा, ये ग्लूज वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ से आपको थोड़ा अजीब सा दिखता होगा। दोस्तों कोन क्वालिटी कुछ खास नहीं है और यहाँ पे जो डस्ट कैप है वो भी नॉर्मल लगाया गया है, क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे इतने प्राइस में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये देखने को मिलते हैं रबर्स वगैरह, तो यहाँ पर दोस्तों ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको आप एक चीज़ दिखाना चाहूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, अभी मैं आपको मैग्नेट साइज़ दिखाता हूँ कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो आपको होल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ये आपको जो यहाँ पे होल देखने को मिल रहा है, और अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो दोस्तों ये जो आपका होल है वो एग्जैक्टली यहाँ पर आता है। तो जैसे मैंने इसमें स्क्रूज डालने का कोशिश किया, दोस्तों मुझे लगा था ये यहाँ से निकलेगा, लेकिन दोस्तों ये यहाँ से निकलता है। तो बहुत ही अजीब तरीके से इसको बनाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो खैर, इसको यहाँ से आपको होल करके लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसके बात करते हैं बैक में क्या दिया जाता है। दोस्तों मैं चाहता नहीं कि वीडियो लंबी बने इस स्पीकर के ऊपर, तो टेस्टिंग दिखाता हूँ, फटाफट से वीडियो ख़त्म करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इसका ये एक नॉर्मल सा चीप क्वालिटी का आप कह सकते हैं मैग्नेट है, तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये लगता नहीं कि ये 100 वॉट पूरा है, तो ये हो सकता हो थोड़ा कम ही दे उससे, लेकिन उम्मीद तो खैर 100 वॉट की ही है, तो ये वैसे मुझे कम लग रहा है उस हिसाब से। तो आप इसको देख सकते हैं कैसा इसका लुक है। दोस्तों मैं इसको आपको अंदर से दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का है, तो मैं अभी आपको फोकस करके बिल्कुल दिखाता हूँ कि ये कैसा है। और दोस्तों मैं इसका सस्पेंशन आपको दिखाता हूँ कि कितना कम है। तो जाहिर सी बात है भाई, 12 इंच का हमारा स्पीकर है, कोई बेस के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, इससे मिड आपको बहुत ही प्यारा मिलेगा, मैं आपसे ये बात तो ज़रूर से कहूँगा। और जो ट्रेबल्स होते हैं इसके बहुत ही फिक्स रहते हैं, तो अच्छे लगते हैं सुनने में। आप एक पीजो ट्विटर के साथ बजाएंगे तो आपको बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी मिलेगा। दोस्तों ये बिल्कुल न्यू है एक तरीके से मेरे लिए, तो मैंने अभी तक के इसको बजा के नहीं देखा है। हाँ, बजा के देखा है, लेकिन मैंने इसको बॉक्स वगैरह में कहीं पे भी नहीं फिट किया है। तो ये दोस्तों आपको एक वायर्स देखने को मिलते हैं जो कि अगर ज़्यादा खींचेंगे तो टूट भी सकते हैं। यहाँ पे ये आप सोल्डरिंग इसमें कर सकते हो, ऑब्वियसली आपको वो पुश बटन तो मिलने नहीं वाले इसमें। तो ये जो उसका फ्रेम है ये भी दोस्तों प्राइस के हिसाब से अच्छा है, मैं ख़राब कह सकता हूँ लेकिन ख़राब नहीं कहूँगा क्योंकि प्राइस भाई यहाँ पर कम है। तो ये था दोस्तों हमारा कुछ स्पीकर, इसमें दिखाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए इसको फटाफट से बजा के दिखाते हैं और वीडियो को एंड करते हैं।
यहाँ पर आप लोगों ने देखा हमारे स्पीकर कैसा दिखता है, कैसा है इसका साउंड क्वालिटी। तो दोस्तों मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताना कैसा लगा आपको साउंड क्वालिटी। दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे एक जेन्युइन बात करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये मुझे कोई कंपनी ने नहीं भेजा, क्योंकि ये कोई कंपनी का है भी नहीं, ये मैंने खुद अपने पर्सनल पैसों से खरीदा है, और जो भी मैं खरीदता हूँ वो अपने पैसों से खरीदता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, मुझे यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं पता लगा कि हाँ भाई ये जो, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जो ब्रांडेड कंपनी है और जो लोकल जो कि शॉप पे बनते हैं या फिर कोई छोटी मोटी फैक्ट्रीज में बनते हैं, स्टिकर लगा के मार्केट में सेल करते जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी स्टिकर लगे होने मिलने चाहिए थे, लेकिन दोस्तों मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल ख़रीदा है, समझे जहाँ से इसकी फैक्ट्री है मैं वहाँ पर जाके इसको ख़रीदा हूँ। तो मैं आपसे एक सिंपली बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा कि हाँ भाई ये 12 इंच 100 वाट में बहुत ज़्यादा बेस दे रहा है, ये बिल्कुल बेस नहीं दे रहा क्योंकि लोकल है, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बस स्पीकर की लाइफ होती है, मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, मेन चीज़ वॉइस कॉइल की क्वालिटी होती है, और जो उसमें पेपर इस्तेमाल होता है उसका पैसा आपसे लिया जाता है, थोड़ा जो कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है उसका भी पैसा कंपनी आपसे वसूलती है। दोस्तों यहाँ पे इनका प्राइस कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही बेकार हैं। ये दोस्तों ये आपका पर्सनल रिस्क होता है कि आपको इसे लेना है कि नहीं लेना है। शॉप से दो जीने नीचे उतरते ही इसकी वारंटी गारंटी सब खत्म हो जाती है, और कंपनी में क्या होता है, हो सकता हो वो आपको दे वारंटी गारंटी, और नहीं भी देते हैं तो भाई उनका इतना नाम है, उनकी इतनी रेपुटेशन है कि उनका प्रोडक्ट आपको अच्छा मिलने ही वाला है। तो बस इतना सा नॉलेज डिफरेंस होता है। दोस्तों आज की सारी वीडियो ये नहीं थी कि कंपनी के कैसे होते हैं, लोकल कैसे होते हैं, ये वीडियो थी कि लोकल कैसा बचता है, क्या है इसका टेस्ट और कैसा ये दिखता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको कंपनी और स्पीकर ये जो लोकल बनते हैं इसमें डिफरेंस की वीडियो चाहिए तो मुझे और नीचे कमेंट बताना, और कोई आपका सजेशन हो तो मुझे जरूर नीचे कमेंट में देना। तो बस दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय एंड टाटा।